कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन समाकलन सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन dx / sin x cos क्यूब x बराबर से log 10x + 10 स्क्वायर x / 2। इसके हल में हम मान लेते क्या कर लेते मान लेते हैं कि i इक्वल टू जो हमारे पास है वो है dx / sin x * cos क्यूब x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन dx / क्या sin x / cos x अंश यहाँ पर अपन इसकी घात 3 थी तो ये 4 लिख दी तो ये cos की घात 4x को यदि हम अंश में ले जाए तो क्या लिख सकते अंश में हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते इंटीग्रेशन क्या sec की घात 4x dx बटे साइन एक्स बटे कास एक्स को हम क्या लिख सकते हम इसको लिख सकते हैं 10x। हमें से सब जानते कि ये sec की घात 4 को दो भागों में बांटा जा सकता है यानी एक को लिख दिया अपन ने sec स्क्वायर x पुनः दूसरे को भी लिख दिया अपन ने sec स्क्वायर x बटे क्या 10x dx। हम जानते किसी एक sec स्क्वायर x को 10 स्क्वायर x में कन्वर्ट करना संभव है तो हम एक 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट कर लेंगे 1 + 10 स्क्वायर x में। सर्वसमी का हम जानते क्या sec स्क्वायर x dx / 10x। माना क्या मान ले रहे माना कि 10x बराबर इसे t। जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर x dx बराबर इसे dt। इस मान को रखने पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + t स्क्वायर / t dt इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इक्वल टू अगर अलग अलग लिखे तो क्या होगा इंटीग्रेशन dt / t + एक t से एक t कट जाएगा तो क्या आएगा इंटीग्रेशन t * dt बराबर इसे I इक्वल टू dt / t dt / t क्या लिखेंगे log t + टी स्क्वायर / 2 + c। इसकी वैल्यू को जब हम रखेंगे तो t यानी 10x तो हमारे पास क्या हो जाएगा I इक्वल टू क्या लिखेंगे log 10x क्या लिखेंगे log 10x + 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x / 2 + c। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने से इसका धन्यवाद।